जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश फिर से बेरोजगारी में तो नंबर एक था ही, महंगाई में अब नंबर एक हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NSO के आंकड़े हैं जिसमें महंगाई की चक्की से लगातार जो है पिकता जा रहा है और हरियाणा नंबर वन जो है, जो हमारा नंबर वन प्रति व्यक्ति आय में था, अब नंबर वन हो गया है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये नेशनल इन इन्फ्लेशन इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन कंट्री, बीट्स RBI अपर लिमिट। RBI ने भी खतरे की घंटी बजाई है इस पे, खतरे की घंटी। RBI की लिमिट में क्या देखो ना, हरियाणा में इन्फ्लेशन है 6.04, हिमाचल में है 4.35, पंजाब में है 4.18 और ऑल इंडिया की एवरेज है 4.25 और हमारी हरियाणा कितने है 6.7 और ये खास तौर पे जो रूरल हरियाणा है उसमें 7.12 है और अर्बन में 4.69। तो जहां अपराध की भी आप देख रहे हैं और ये महंगाई की और बेरोजगारी की तो आप सब देख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है और ये महंगा कर रहे हैं। वैट भी हरियाणा सरकार ने जो हमारे समय में 9% था ये 18% पे ले गए हैं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है इनके ऊपर। और किसान के ऊपर तो दौरी मार पड़ रही है, किसान के ऊपर जो ये कह रहे थे ना उसको MSP मिल रहा, ना उसको मतलब ये कहते हम आमदनी दुगनी करेंगे वो मिल रही, आमदनी दुगनी तो छोड़ो लागत दुगनी से ज्यादा कर दी गई। हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ही आपका ट्रैक्टर पार्ट्स पे था और डीजल पे वैट 9% था, अब वो भी बढ़ा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, 28% तक है इन चीजों पे टैक्स। इसी प्रकार से जो एक नई स्कीम और ले आए किसान के लिए और दिक्कत पैदा कर दी कि 10 BHP के जो 10 पावर हाउस की जो ट्यूबवेल है उसको अनिवार्य रूप से सोलर लेना पड़ेगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई सब जो आप 40,000 किसानों ने पैसा जमा करा रखा है हमने इससे का, अब ये लगा दी। पहले था ऑप्शनल, कोई चाहे सोलर करे चाहे कोई कनेक्शन ले, अब वो कनेक्शन नहीं मिलेगा उसको, उसको सोलर में जाना पड़ेगा। सोलर का नुकसान किसान को ये है, सर्दी में तो वैसे ही उसको मुश्किल है और जहाँ पे जो आपका वाटर टेबल बहुत नीचे चले जाता है वहाँ कामयाब नहीं है वो, तो किसान को ये परेशानी का काम बढ़ा रहे हैं। और जबकि हमारे समय में 1,74,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए थे, ये मतलब इसी 40,000 कनेक्शन में बिचल गए, BHP लगा रहे हैं और एकदम बिजली का भाव इन्होंने बढ़ाया है।